नमस्कार, टीवी ऑन इंडिया के टॉप 10 बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। मोदी सरकार के कृषि कानूनों का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नया विवाद समाधान के लिए गठित कमेटी और उसकी मंशा पर खड़ा हो गया है। हालांकि इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने इसके खिलाफ दाखिल एक याचिका की सुनवाई पर कहा कि कमेटी के सभी सदस्य अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें राय देने के लिए नियुक्त किया गया है, फैसले के लिए नहीं, इसलिए उनकी मंशा पर सवाल न उठाएं। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें कमेटी की बैठक पर भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून अपने दोस्तों को खेती सौंपने की भाजपाई प्रक्रिया का हिस्सा है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और किसान कानूनों को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कानून बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि पीएम आवास योजना से करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों में यह विश्वास बढ़ा है कि एक दिन उनका खुद का घर जरूर होगा। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम ने उन्हें याद करते हुए कहा कि गुरु साहब उनसे राष्ट्र सेवा का काम करवा रहे हैं। पीएम ने दोहा पढ़कर दिलाया याद कि गुरु गोविंद सिंह का सत्य और सेवा का मार्ग अदम्य साहस का प्रतीक है, इसलिए उनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। और किसानों के ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने सुनवाई में साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली या किसी अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह मामला पुलिस के हाथ में है, इसलिए पुलिस ही इस पर इजाजत देगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि लोकतंत्र दिवस में सुरक्षा चुनौतियों के बीच ट्रैक्टर रैली निकाली जाए। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच रैली के रूट को लेकर भी बैठकें चल रही हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया है। पूरी दुनिया में ड्रैगन फ्रूट के नाम से प्रचलित इस फल को अब गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। गुजरात सरकार के सीएम विजय रूपानी बोले कि कमल के रंग और आकार में दिखता है ड्रैगन फ्रूट, इसलिए दिया गया है कमल का नाम। यह कैक्टस प्रजाति का अमेरिकी फल है। इसकी खेती दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अमेरिका, कैरेबियन देश, ऑस्ट्रेलिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों में जमकर जोश भरा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में रवि शास्त्री कहते दिख रहे हैं, 36 रन पर आउट होने के बाद यह अवास्तविक सा लगता है। यह जीत रातों रात नहीं आई है। इस जज्बे के लिए हमने एक लंबा सफर तय किया है। इस लम्हे का भरपूर आनंद लो, इसे ऐसे ही मत जाने दो। वहीं भारत की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के लिए BCCI ने 5 करोड़ के बोनस का ऐलान किया है।
महाराष्ट्र में पुणे के मुसली गांव में कुछ ऐसा वाकया देखने को मिला है जो यह साबित करता है कि चुनाव में एक एक वोट हार और जीत का कैसे कारण बन जाता है। यहां 113 साल की दादी ने मरने से पहले एक वोट देकर अपने पोते को सरपंच बना दिया है। मुसली गांव के पंचायत चुनाव में विजय साठे उम्मीदवार थे। उनकी दादी सबाई साठे ने मतदान किया था, लेकिन उसी रात उनकी मौत हो गई। 3 दिन बाद जब रिजल्ट निकला तो विजय साठे सिर्फ एक वोट से विजयी घोषित हुए। उन्होंने कहा कि अगर दादी ने वोट नहीं दिया होता तो वे कभी जीत कर सरपंच नहीं बनते। यूपी के विधान परिषद चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने मैदान छोड़ दिया है। माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा की तरह विधान परिषद में भी किस्मत आजमाएगी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक बीएसपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। फिलहाल बीएसपी ने क्यों मैदान छोड़ा? क्या सपा और अखिलेश यादव में कोई अंदर खाने समझौता कर लिया गया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो मायावती से पूछे जा रहे हैं। देखना होगा कि इसका जवाब कब मिलता है। और सभी कार्यकर्ता समाजवादी साथी संकल्प लेकर के गए हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाएंगे। हरियाणा के पंचकुला के बाद अब पंजाब में भी बर्ड फ्लू का कहर फैलने लगा है। ताजा रिपोर्ट में मोहाली के डेरा बस्ती में 2 पोल्ट्री फार्म के रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। जालंधर के बाद भोपाल के लैब में भी इसके नमूने पॉजिटिव निकले हैं। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने ट्वीट कर पुष्टि की है और पंजाब सरकार द्वारा उठाए जा रहे एहतियाती कदम की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग जरूरी एहतियात, निगरानी और सैंपल जुटाने के काम में जुट गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम तेज हो गया है। आज दिल्ली से 31 सदस्यीय संसदीय दल घाटी पहुंचा है, जो जम्मू कश्मीर हाईवे और अन्य सड़कों की स्थिति की पड़ताल करेगा। 21 से 23 जनवरी तक यह संसदीय दल श्रीनगर में रहेगा। होटल ताज में संसदीय दल की पहली बैठक होगी, जहां पर्यटन, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी तथा रोड सेक्टर से जुड़े हितधारकों के साथ अलग अलग चर्चाएं होने वाली हैं। आज के टॉप 10 बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।